आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रेल टिकटों की कालाबाजारी का भंडाफोड़ करते हुए दलाल को गिरफ्तार किया है सीआईबी और टिटवाला आरपीएफ ने ये कार्रवाई की है। सीआईबी कल्याण की टीम ने आरपीएफ टिटवाला की मदद से अंबेवली के मोहने मार्केट में स्थित महाकाल पैन कार्ड सेवा केंद्र पर छापा मारकर रेल टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम नंदू भीखन जाधव बताया जा रहा है, जो यादव नगर मोहने का रहने वाला है। सीआईबी कल्याण ब्रांच के इंचार्ज सुनील कुमार शर्मा के मुताबिक महाकाल पैन कार्ड सेवा केंद्र में टिकटों की कालाबाजारी किए जाने की गुप्त जानकारी मुखबिर के द्वारा मिली थी। सूचना के आधार पर शनिवार 30 मार्च को सहायक उप निरीक्षक विजय पाटिल की टीम ने आरपीएफ थाना की मदद से महाकाल पैन कार्ड सेवा केंद्र पर छापा मारा और वहां से नंदू जाधव को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान 4 पर्सनल यूजर आईडी, 10 ई टिकट, कंप्यूटर और मोबाइल इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। पंचनामा के बाद जांच के लिए आरपीएफ थाना टिटवाला को सुपुर्द किया गया है। पुलिसिया पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर फेक पर्सनल यूजर आईडी बनाकर जरूरतमंद रेल यात्रियों से अंकित किराया से 100 रुपये अतिरिक्त रकम ले रहा था। इसके अलावा आरोपी उसकी पत्नी की आईडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड भी यूज करता था। सीआईबी इंचार्ज शर्मा ने बताया है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। इसके बाद पंचनामा किया गया और रेल अधिनियम की धारा 143 के अनुसार कार्रवाई की गई है। मामले की जांच टिटवाला आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक अनूप शर्मा कर रहे हैं।